हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज सीए फाउंडेशन का एक बहुत ही सिंपल चैप्टर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, जो काफी इजी है। क्लास 11 में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं डेप्रिसिएशन, और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिक्टो उसी की तरह है। बस डिफरेंस ये है कि क्लास 11 में हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल मेथड, वही चार मेथड। सीए इंस्टीट्यूट के डेप्रिसिएशन में क्या है, यहाँ पे 11-12 मेथड है, लेकिन क्या बनाने का प्रोसेस सेम है? हम बोले हाँ, वो प्रोसेस तो सेम है कि सर बनाते तो जैसे 11 में थे डेप्रिसिएशन, वैसे ही बना रहे होंगे सीए फाउंडेशन में, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मेथड्स का डिफरेंस है। मेथड्स का डिफरेंस मतलब सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स लगते हैं वो सीए फाउंडेशंस में 11-12 तरीके से दिए हुए हैं कि हाँ भाई इस तरह से भी डेप्रिसिएशन निकाला जा सकता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस, हम बोले बनाने का प्रोसेस तो सेम है, बस कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो डिफरेंट। समझ में आता है बात मेरा? आइए शुरू करें डेप्रिसिएशन। क्या है डेप्रिसिएशन? हम बोल रहे हैं सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज करता है अपने वैल्यू में, फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जब गिरावट आता है, जब उसका दाम घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटना शुरू हो जाता है सर? क्योंकि बाबू हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू वियर एंड टियर उसमें घसावट होता है। इस्तेमाल करने से क्या वो घिसावट होगा, क्या उसमें उसके परफॉर्मेंस में गिरावट आएगा? हम बोले हाँ। तो जब उसका परफॉर्मेंस खराब होगा, जब वो पुराना होगा, क्यों पुराना होगा, यूज कर रहे हैं आप उस, तो क्या उसका दाम वही रहेगा जो आप शुरू में खरीदे थे? हम बोले ऑफ कोर्स नॉट। अपना मोबाइल लीजिए, आप जो नया नया मोबाइल खरीदे थे, क्या पहले दिन का परफॉर्मेंस और आज के परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं है? हम बोले बिल्कुल गिरावट है सर, अब थोड़ा सा लैग करता है फोन। अब हम लोग का मोबाइल फोन में क्या होता है कि पहले जैसा स्मूदनेस नहीं रहा, पहले जैसा जैसे फटाफट ऐप खुलते थे अब नहीं खुलते। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू आप लगातार यूज कर रहे हैं, मशीन है, यूज कीजिएगा तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ खराबियां तो होंगी ही, धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस डल होते चला जाएगा। जब एक एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का परफॉर्मेंस खराब होता है तो उस पर क्या लगना शुरू हो जाता है? डेप्रिसिएशन, कि सर उसका दाम घटते जा रहा है। हम बोले हाँ। क्या दाम सिर्फ इसलिए घटेगा क्योंकि यूज कर रहे हैं? मतलब ये हुआ सर कि अगर हम किसी एसेट्स को ज्यों का त्यों ला के रख दे और उसको इस्तेमाल ही ना करे तो उसका दाम वही रह जाएगा? हम बोले ना, ऐसा नहीं है। फिक्स एसेट्स का दाम घटता है यूज करने के कारण, और सर टाइम बीतने के कारण टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ जाता है, तो उस कारण से भी आप चीजों का दाम में क्या पाएंगे, गिरावट पाएंगे। जैसे याद करो, पहले सेलफोन्स बटन वाले आते थे, वही काफी एक्सपेंसिव होते थे, और अब आप देखो कि सर उससे कहीं इंप्रूव्ड फोन मिलते हैं अब तो, लेकिन क्या उनका दाम सेम है? हम बोले हाँ। पहले का बटन का फोन का दाम 7,000-8,000 रुपया था, जिससे आप खाली फोन मैसेज यही सब कर पाते थे। अब के फोन तो काफी लेटेस्ट है, उनमें कई ज्यादा फीचर्स है, लेकिन ये भी फोन उतने में आते हैं। तो इसका मतलब हुआ सर कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आता है समय के साथ, जब समय बीतता है तो चीजों के दाम में गिरावट इसलिए भी आ जाती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली पिछड़ जाते हैं। तो हम बोल रहे हैं सर डेप्रिसिएशन लग सकता है, दो कारण हमारे पास है, क्या क्या? एक सर पहला कि सर यूज करेंगे इसलिए, हम बोले हाँ। दूसरा सर समय बीतने के कारण भी एसेट्स का दाम घटता है, किस एसेट्स का? फिक्स एसेट्स का, उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, हम बोले हाँ। तो सर डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? हम बोले उसके लिए हमारे पास काफी मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं बुक में कि डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितना बात हम कहे हैं उन सभी बातों को लिखेंगे साथ साथ, ताकि एक नोट्स भी तैयार हो कि हाँ सर डेप्रिसिएशन में कितनी सारी बातें हैं। आइए लिखते हैं। पहला, डेप्रिसिएशन क्या है? सब क्या है डेप्रिसिएशन? लिखो, डेप्रिसिएशन मीन
सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज डेप्रिशिएशन का मतलब क्या है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज यूजिंग appropriate method. हम क्या लिखे हम बोल रहे सर जो बात हम बोले थे शॉर्ट में उसी बात को टेक्निकली लिखे डेप्रिशिएशन क्या है हम बोल रहे सर डेप्रिशिएशन सिस्टमैटिक एलोकेशन है सिस्टमैटिक का मतलब सर हम बोल रहे बाबू एक सिस्टमैटिक का मतलब क्या एक तरीके से अगर आप किसी एसेट्स को यूज करते हैं तो उसपे जो गिरावट आएगा एक तरीके से एक सिस्टम से एलोकेट किया जाएगा ईयर बाय ईयर तो वही लिखे हैं कि डेप्रिशिएशन मीन्स सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स सिस्टमेटिक एलोकेशन करना है किसका डेप्रिशिएबल वैल्यू का अगर कोई एसेट्स 1 लाख में खरीदे हैं और सपोज करो कि सर जब उस एसेट्स का यूज हम कर भी लेंगे तब भी वो 10,000 रुपया का स्क्रैप दे जाएगा कूड़ा का वैल्यू वो दे जाएगा तो हम बोले सर 1 लाख में खरीदे 10,000 रुपया का तो रिकवरी हो ही जाएगा तो मेरा डेप्रिशिएशन जो लगना है वो किस पे लगना है 90,000 पे तो हम बोले सर डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है कितना वैल्यू पे डेप्रिशिएशन होगा कितना वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हो जाएगा ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स द आंसर इज 90,000 क्योंकि 10,000 तो मिल ही जाएगा तो हम बोल रहे हैं सर डेप्रिशिएशन का मतलब क्या निकला कि सर सिस्टमैटिक एलोकेशन है किस चीज को एलोकेट करना है हम बोल रहे हैं सर डेप्रिशिएबल वैल्यू को किस चीज का डेप्रिशिएबल वैल्यू भाई डेप्रिशिएबल एसेट्स का जो एसेट्स डेप्रिशिएट हो सकता है उस एसेट्स का डेप्रिशिएबल वैल्यू को एक तरीके से एलोकेट करना है एक तरीके से आपको ईयर बाय ईयर चार्ज करना है रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब कि सर आप उसको ईयर बाय ईयर एलोकेट कर देंगे हम बोले हां इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल लाइफ इससे मतलब नहीं है कि सर उसका एक्चुअल यूज कितना समय तक है बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं जो डेप्रिशिएट होने के बाद भी यूज हो रहे होते हैं हम बोले हां वो यूज हो रहे होंगे लेकिन उसका यूटिलिटी वैसा नहीं है जैसा कंपनी को चाहिए जैसे हम बोल रहे हैं कि सर आपका फोन लीजिए बेस्ट एग्जांपल क्या आपका फोन का स्क्रीन टूट जाए आप 2 साल 5 साल इस्तेमाल करिए उसके बाद एकाएक आप देखते हैं कि सर स्क्रीन ब्लैक हो गया स्क्रीन चल ही नहीं रहा तो क्या उसका यूजफुल लाइफ खत्म हो गया हम बोले हाँ यूजफुल लाइफ तो खत्म हो गया लेकिन क्या अभी भी उसका यूज नहीं कर सकते हम बोले कर सकते हैं बाबू फोन तो आ ही सकता है आपको यूटिलिटी तो अभी भी है कि हाँ सर फोन तो आ सकता है फोन हम उठा भी लेते हैं बटन दाब के लेकिन और बाकी पर्पस बेकार वो तो यूज होगा नहीं तो हम बोले सर डेप्रिशिएशन जो है वो एलोकेट किया जाता है यूजफुल लाइफ यूजफुल कब तक है एक्चुअल यूज तो बहुत समय तक का हो सकता है हमें एक्चुअल यूज से क्या मतलब हमें किससे मतलब है यूजफुल से कि सर यूजफुल कब तक है उसका लाइफ बात समझते हैं मेरा
और जाहिर सा बात है यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड, डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए कोई ना कोई तो एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना पड़ता होगा। हम बोले हाँ। तो ये हम लोग क्या सीखे कि सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, डेप्रिसिएशन मीन्स सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू। किस चीज का डेप्रिशिएबल वैल्यू बाबू? डेप्रिशिएबल एसेट्स का रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। एक्चुअल यूज कुछ भी हो सकता है, हमको यूजफुल लाइफ से मतलब होता है, बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। और हम लोग क्या यूज करना पड़ता है इस डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए? कोई ना कोई एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना पड़ता है। तो सर इसमें बहुत सारा बात है जो हम लोग को जानना चाहिए। हम बोले हाँ, आओ लिखे अगला। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होता है सर? हम बोले आओ लिखते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स आर those assets which satisfy all the following conditions. First, limited life. Second, and life must be more than 1 year, and used in the business for the प्रोडक्शन। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होता है सर? डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट जिसमें ये तीनों क्वालिटी हो। पहला लिमिटेड होना चाहिए लाइफ, दूसरा लाइफ मस्ट बी मोर देन वन ईयर, एक साल से अधिक लाइफ भी होना चाहिए, और उस एसेट्स को बिजनेस में यूज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेस। या तो वो प्रोडक्शन में यूज होता होगा, या फिर वो सर्विसेस में यूज होता होगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूज के लिए होता होगा। और रेंटल यूज के लिए होता होगा। फिर से सुनो दोस्त, डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या है? हम बोले सर डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब होता है वैसा एसेट्स जिसमें ये तीनों क्वालिटी फुलफिल होता हो। अगर कुछ भी मिस करेगा तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है, उसके ऊपर डेप्रिशन नहीं लग सकता। क्या क्या कंडीशन? पहला, लिमिटेड लाइफ, मतलब एसेट्स जो खरीदे हैं उसका लाइफ लिमिटेड होना चाहिए कि सर ऐसा ना हो कि खत्म ही नहीं होगा जीवन भर में कभी। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। दूसरा, लाइफ एक साल से ज्यादा होना चाहिए, लिमिटेड बट मोर देन वन ईयर। हम बोले ओके। तीसरा, उस एसेट्स को बिजनेस में यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव यूज और रेंटल यूज। समझ रहे मेरा बात कि सर या तो वो मेरे प्रोडक्शन में यूज होता होगा कि हाँ भाई इस मशीन से ही मेरा सामान मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, या फिर इस मशीन के थ्रू ही हम सर्विसेज दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को, या फिर मेरे ऑफिस में वो लगा हुआ है, फर्नीचर्स लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज है उसके ऊपर। हम बोले हाँ। या फिर सर हम उसको रेंट पे दे सकते हैं, रेंटल यूज करते हैं उसका। हम बोले हाँ। ये तीनों कंडीशन जिस भी एसेट्स में पूरे हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे? डेप्रिशिएबल एसेट्स। हम आपको क्या याद कराएंगे कि बाबू ये डेप्रिशिएबल एसेट्स है और ये नहीं है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप खुद डिसाइड करोगे कि हाँ ये डेप्रिशिएबल एसेट्स है
या ये डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है। सर क्यों जानना चाहते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स? जब आपको पता ही नहीं होगा कि डेप्रिशिएबल ये एसेट्स है या नहीं, तो डेप्रिशन कैसे लगाओगे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है ना कि सर किस एसेट्स पे डेप्रिशिएशन लगेगा और किस एसेट्स पे डेप्रिशन नहीं लगेगा। क्या हम आपको लिस्ट बना दे कि इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा? बी लॉजिकल, खुद डिसाइड करेंगे हाँ सर इस पे लगना है या नहीं लगना, रटने का बात ही नहीं है। हम बोले बाबू डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएबल एसेट्स में लगते हैं, सवाल उठ गया व्हाट इज डेप्रिशिएबल एसेट्स। हम बोले सर डेप्रिशिएबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशन? फर्स्ट, द एसेट्स मस्ट हैव लिमिटेड लाइफ एंड लाइफ ऑफ द एसेट्स मस्ट बी मोर देन वन ईयर, एंड लास्टली द एसेट्स मस्ट बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेस और फॉर रेंटल वैल्यू और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। If any asset fulfill all of these conditions, the assets are termed as depreciable assets on which depreciation is charged. इतना ही सिंपल सा बात है, समझ रहे बात मेरा? तो ये हुआ हम लोग का depreciable assets के ऊपर चर्चा। लिखिए पहले, हम लोग और बात करेंगे इस पर। आइए, depreciable assets का मतलब जान गए। अब हम कुछ assets का नाम लिखे हैं और हम लोग जज करेंगे कि सर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं या नहीं। जैसे कार, डेप्रिशिएबल एसेट्स होने के लिए तीन कंडीशन था, लाइफ लिमिटेड होना चाहिए, एक साल से अधिक होना चाहिए और बिजनेस में या तो वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो या फिर वो रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। हम बोले ओके, कार क्या इसका लाइफ मोर देन वन ईयर है? द आंसर इज यस। क्या लिमिटेड लाइफ होता है कार का? हम बोले यस। क्या कार हम लोग प्रोडक्शन में या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं? हम बोले सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज होता है कार। हम बोले हाँ प्रोडक्शन में होता है सामान इधर उधर ले जाने के लिए। तो तीनों का आंसर है यस यस यस। तो ये क्या बन गया? डेप्रिशिएबल एसेट्स। कि क्या इस पे डेप्रिशन लगेगा? हम बोले हाँ। सर कार रेंट पे दिए? हम बोले हाँ। क्या लाइफ मोर देन वन ईयर है? यस। लिमिटेड है? यस। क्या इससे हम रेंटल इनकम कमाएंगे? यस। तो ये भी क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट। इन्वेस्टमेंट खरीदे, हम जियो कंपनी का शेयर्स खरीदे, क्या इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में यूज है? हम बोले ना। प्रोडक्शन में ना, रेंटल में ना। द आंसर इज नो। तो हम बोले सर क्योंकि एक का जवाब नो आ गया है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? नॉट डेप्रिशिएबल एसेट, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। आई होप अब आपको रटना नहीं पड़ रहा है कि सर इन्वेस्टमेंट जो हम खरीदे हैं वो डेप्रिशिएशन लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। हम बोले दोस्त क्या वो तीन कंडीशन को पूरा कर पाता है? हम बोले सर एक का जवाब तो मिल गया, वो प्रोडक्शन पर्पस पर यूज होता है। क्या जियो के शेयर खरीदने से मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? क्या जियो के शेयर खरीदने से मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होना शुरू हो जाएगा कुछ? हम बोले नहीं। तो सर उसका जवाब है नो। तो बाकी दोनों हम चेक भी नहीं कर रहे। हम बोले सर खत्म, कुछ नहीं। उसके बाद फर्नीचर, हम बोले सर यस यस। और क्या वो बिजनेस में यूज होगा? हम बोले यस। लैंड, क्या लाइफ मोर देन वन ईयर है? यस। क्या लिमिटेड लाइफ है? हम बोले नो यस। तो क्या लैंड एक डेप्रिशिएबल एसेट्स है? हम बोले नहीं। तो लैंड के ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। आज आपको समझ में आ गया होगा क्यों क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो डेप्रिशिएबल एसेट्स के डेफिनेशन को ही पूरा नहीं कर पाता। फिर बोल रहे कार हेल्ड एज स्टॉक। कार हेल्ड एज स्टॉक का मतलब हम कार का बिजनेस करते हैं और मेरे पास कार जो पड़ा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है। तो हम बोले सर लाइफ मोर देन वन ईयर है, लिमिटेड है, लेकिन इसका यूज हम ना प्रोडक्शन में करते हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव में करते हैं और ना ही रेंटल पे देते हैं। तो हम बोले सर लास्ट वाला नो आ गया तो ये भी डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक है, आप कल को बेचिएगा। हम बोले ओके। बिल्डिंग सर यस यस यस। तीन को यस मिला तो क्या बन गया? बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट। गोल्ड, हम बोले सर लाइफ ज्यादा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव नो। हम बोले सर
एडमिनिस्ट्रेटिव यूज नहीं है उसका, यह प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं गोल्ड, तो हम क्या बोल रहे हैं सर, वो क्या है मेरे लिए? सर डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है गोल्ड। बात ठीक। तो ये हुआ हम लोग का डेप्रिशिएबल एसेट्स को समझने का चीज, कि सर रटने का कोई बात ही नहीं है, आप रट नहीं सकते हैं कि सर इस पे लगता है और इस पे नहीं लगता है। बी लॉजिकल, क्यों लगता है और क्यों नहीं लगता है? हम बोल रहे हैं सर इस डिफिनेशन को जो पूरा कर देता है उस पे लग जाता है, और जिसपे नहीं लगता है उस पे वो, जिसपे ये तीन कंडीशन पूरा नहीं होता उस पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता है। हम बोले बिल्कुल। अब क्लास 11 वाला बात को भूल जाइएगा कि हाँ सर वहां मैडम बोलती थी कि इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगता है, करेंट एसेट्स पे नहीं लगता है, लैंड इकलौता ऐसा फिक्स्ड एसेट्स है जिसके ऊपर नहीं लगता, लेकिन आपको भी लगता होगा क्यों नहीं लगता। आज उम्मीद करते हैं आपको आपका जवाब मिल गया कि हाँ सर लैंड पे क्यों नहीं लगता है, ये बात क्लियर कर। इन शॉर्ट, फिर भी अगर आपको शॉर्ट में ही याद रखना है तो सर डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है? फिक्स एसेट्स पे लगता है, एक्सेप्ट लैंड। जो आप 11th में पढ़े थे रीजन हम दे दिए आपको, लिखिए यहां तक। अगला सर डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है? अच्छा आइए देख ले डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है। डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब हम बोले लिख, जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है माइनस स्क्रैप, इसी को बोला जाता है डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसपे डेप्रिसिएशन लगेगा उसी को बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो जो भी ओरिजिनल दाम है, स्क्रैप का मतलब क्या कि सर जब कोई एसेट्स खत्म हो जाता है उसके बावजूद भी वो कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न कर जाता है। एग्जाम्पल, आपके घर पे लगा हुआ फर्नीचर, कल को आपका फर्नीचर सड़ जाए, आप उसको फेंकने भी जाइएगा तो कूड़ा का भाव तो वो दे के जाएगा कि हाँ सर 2-4, 500, 1000 रुपया तो उस सोफा सेट से भी मिल जाएगा जो कूड़े के भाव फेंकने वाले हैं। तो हम बोल रहे बाबू सपोज करो 20,000 का तुम एक सोफा सेट खरीदा, 10 साल के बाद वो बेकार हो गया, आप उसको फेंकना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं अब इसका यूज करने में फायदा नहीं है, हटाओ इसको। जब उसको हटाओगे तब भी वो आपको हो सकता है 500-1000 रुपया दे जाए कि सर उसमें लेदर लगा हुआ है, उसके बाद कॉटन लगा हुआ है, फिर उसके अंदर लकड़ी लगा हुआ है, कई सारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो उन सब का भी तो कुछ ना कुछ सेल वैल्यू है ही है। हम बोले हाँ। तो हम बोले 10,000 रुपया में अगर 1,000 रुपया रिटर्न मिल ही जाएगा तो एक्चुअल में तो मेरा खर्चा जो हुआ है वो 19 ही हुआ है, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा? हम बोले सर उस ड्यूरिंग दी लाइफ में 19,000 रुपया का ही डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या कि सर जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें स्क्रैप को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिशिएबल वैल्यू मिल जाएगा। बात समझते हैं मेरा? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि डेप्रिसिएशन जो होता है सेकेंड बात क्या लिखे है? अभी तक हम लोग समझे सर डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता है? हम बोले हाँ। तो हम लोग सीखे कि सर ओरिजिनल दाम जितने में खरीदते हैं माइनस स्क्रैप, हम बोले हाँ, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो सर जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो डेप्रिशिएबल वैल्यू के इक्वल आएगा हमेशा? हम बोले हाँ। जो डेप्रिसिएशन वो चार्ज करते हैं वो कुछ इस तरह से चार्ज किया जाता है कि अगर आप सारे डेप्रिसिएशन को जोड़ दो तो वो डेप्रिशिएबल वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे 20,000 का सोफा सेट खरीदे, 10 साल के बाद पता है कि सर उससे 1,000 में मिल ही जाना है, तो एक्चुअल में डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना है? हम बोले 19,000।
हम जब डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करेंगे से सर हर साल आप डेप्रिसिएशन लगाइएगा एक सिस्टमेटिक मेथड से, हम बोले हाँ, तो जब 10 साल खत्म होगा तो 10 साल में 10 बार डेप्रिसिएशन लगाए होंगे आप, हम बोले हाँ 10 बार लगाए होंगे। तो सर ये जो 10 साल का डेप्रिसिएशन है अगर हम उसको जोड़े तो क्या वो हमेशा इक्वल होगा डेप्रिसिएबल वैल्यू के, हम बोले हाँ वो हमेशा उसके इक्वल होगा। कि सर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन सच अ मैनर दैट इट सम टोटल इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल वैल्यू, यहां सर सारे डेप्रिसिएशन को जोड़िएगा तो वो डेप्रिसिएबल वैल्यू के बराबर ही निकलेगा हर बार, बोले हाँ लिखिए। सर एक और बात बताइए, यूजफुल लाइफ क्या होता है? अब बोले बाबू यूजफुल लाइफ का मतलब होता है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट, एक एसेट्स का एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर विच एसेट्स विल बी यूज। कि सर एक्सपेक्टेड जो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या, हम बोले सर यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि एसेट्स का कुछ एक्सपेक्टेड लाइफ होगा जब तक हम उसको इस्तेमाल करना चाहते होंगे या जब तक हमको लगता है वो इस्तेमाल होने की हालत में होगा, उसी को बोलते हैं यूजफुल लाइफ। सर कौन डिसाइड करता है यूजफुल लाइफ? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि भाई किसी एसेट्स का यूजफुल लाइफ कितना होगा, वो कुछ चीजों को कंसिडर करता है, जैसे क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, कितना वियर एंड टीयर होगा, क्या देश में एप्लीकेबल लॉज है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि देश में ऐसा कानून हो किसी एसेट्स को इतने समय के बाद आपको बंद करना पड़ेगा यूज करना, हम बोले हाँ हमारे इंडिया में भी है। आपको पता भी चलता होगा कि हाँ सर दिल्ली साइड में आप पुराने पुराने गाड़ी जो ट्रक उरक है उनको एंट्री बैन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देते हैं। इवन डीजल वाले व्हीकल्स को भी दिल्ली बैन करके रखी है कि डीजल वाले व्हीकल्स हमारे स्टेट में नहीं खरीदे और बेचे जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं सर इन सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा तभी तो उसका एक्सपेक्टेड लाइफ निकलेगा। मान लो एक ट्रक खरीदा, कंपनी को पता चल सकता है 15% ये टोटल लाइफ है उसका, सर ये 15 साल तक चलेगा। एक कंपनी एक ट्रक खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि सर मेरे फैक्ट्री का माल भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा कि माल लाएगा ले जाएगा, टोटल लाइफ है 15 साल, लेकिन एप्लीकेबल लॉज बोल रहा है कि 10 साल से बेसी यूज नहीं कर सकते। तो यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल। 15 साल तो टोटल है लेकिन यूजफुल कितना है? हम बोले सर 10 ही साल। इसका मतलब वो सर जो डेप्रिसिएशन निकाले जाएंगे वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से निकाले जाएंगे? हम बोले ऑफकोर्स, जितना साल यूजफुल उसको यूज कर पाएंगे उतने ही साल में डेप्रिसिएशन को एलोकेट किया जाएगा। तभी तो हम बोले डेप्रिसिएशन मीन सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। समझ रहे हैं बात? चलिए लिखे यूजफुल लाइफ का मतलब। यूजफुल लाइफ क्या है सर? यूजफुल लाइफ लिखिए, इट मीन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन एसेट फॉर विच एसेट्स विल बी यूज। यूजफुल लाइफ क्या है सर? एक्सपेक्टेड लाइफ है किसी एसेट्स का कि सर वो कब तक यूज होगा। टोटल लाइफ हो सकता है किसी एसेट्स का, टोटल लाइफ ये क्या हो किसी एसेट्स का टोटल लाइफ कि सर ये है 50, ये है फर्स्ट ईयर, लेकिन हो सकता है कि सर उसको 10 साल तक ही इस्तेमाल करने के लिए परमिशन हो आपके। तो हम बोले सर ये क्या है? हम बोल रहे यूजफुल लाइफ ये है, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल लाइफ। समझ रहे बात मेरा? ये था पहला बात। उसके बाद सर यूजफुल लाइफ कौन डिसाइड करेगा? हम बोले मैनेजमेंट करेगा कंपनी का, और कौन करेगा? लिखो यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड बाय मैनेजमेंट। जो उस कंपनी का कर्ता धरता है जो देख रेख कर रहा वही डिसाइड करेगा कि हाँ भाई कितना एस्टिमेटेड लाइफ है फॉर दिस पर्पस। फॉलोइंग फैक्टर्स
आर टेकन इनटू अकाउंट। सर किसी का यूजफुल लाइफ अगर उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेगा तो कोई क्राइटेरिया तो होगा ना कि भाई वो कैसे फैसला लेता है। बोले हाँ कुछ तो हम बता ही देंगे, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और वियर एंड टियर कि भाई कोई एसेट्स कितना खराब होता है या घिसते चला जाता है उसके हिसाब से डिसाइड लेंगे, या एप्लीकेबल लॉस। इन सारे फैक्टर को कंसिडर करके ही वो कोई डिसीजन लेता है कि सर किसी एसेट्स का यूजफुल लाइफ कितना है। हम बोले हाँ, तो हम बोले सर यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि सर एसेट्स कितने समय तक यूज हो सकेगा उसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। हम बोले हाँ, क्या टोटल लाइफ और यूजफुल लाइफ एक ही चीज है? हम बोले नहीं बाबू, हो सकता है टोटल लाइफ कुछ अलग हो, यूजफुल लाइफ कुछ अलग हो, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। सर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है, लॉज में चेंजेस हो जाएगा तो उस कारण से आपका यूजफुल लाइफ घट बढ़ सकता है, वियर एंड टियर डिसाइड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको डिसाइड करके मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हाँ किसी एसेट्स को कब तक यूज कर सकेंगे और कब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लिखो यहां तक। चलिए अब हम लोग आते हैं सर डेप्रिसिएशन में कितने सारे तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के। बोले हाँ सुनना, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन पहले वो लिख लेते कितने सारे पढ़ने हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ तो हम लोग बहुत कॉमन जानते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ सर ये तो बच्चा वाला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं SLM। इसी का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बोले अच्छा, इसी का नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का नाम क्या है? कॉस्ट मेथड। दूसरा जो पढ़ना है सर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जिसको हम लोग WDV भी बोलते हैं, इसी का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसी का नाम है डिमिनिशिंग मेथड। देख रहे हो बाबू, एक ही चीज के कितने नाम, काम एक नाम अनेक। तीसरा जो पढ़ना है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। हाँ सर सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भी पढ़ना। और क्या पढ़ना है? मशीन आवर मेथड। मशीन आवर मेथड, डिप्लीशन मेथड, एन्यूटी मेथड। थिंकिंग फंड मेथड। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
चेंज इन मेथड। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर। इतना सारा मेथड पढ़ना होगा तब जाके आप बोल सकेंगे कि सर हमको डेप्रिसिएशन पूछा जाए और हम बना देंगे। अब आपके मन में एक सवाल चलना शुरू हो गया कि सर इतना में तो हम फाइनल अकाउंट एनपीओ सब पढ़ लेंगे और हमको 25 नंबर कवर हो जाएगा और सिर्फ इसी को पढ़ने में पता नहीं पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो दोस्त अपने आप से एक सवाल पूछो, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है कि नहीं बनना है? क्योंकि अगर ये आदत मेंटेन रखे कि सर चीजों से भागेंगे तो कब तक भागेंगे। सीए फाउंडेशन में आप बोल रहे हैं कि सर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, 5 नंबर 10 नंबर, छोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता। फिर आप हमको कमेंट में पूछेंगे कि सर बताइए ना इसमें इंपॉर्टेंट क्या, हम आपको कोई रिप्लाई नहीं देंगे। क्योंकि दोस्त कर रहे हैं सीए, 11 12 का बच्चा थोड़ी है। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले, जब आप सीए बनेंगे तो क्या बनेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक। यहां सर हम लोग के ऊपर कंपनी का भार रहता है, हम लोग कंपनियों को बैलेंस कर रहे होते हैं, क्या वहां भी भाग जाएंगे? कल को कोई सीए बन जाएगा, आप जिस इंडस्ट्री में जाएंगे वहां बोलेगा भाई हम तो डिप्लीशन मेथड यूज करते हैं, आप बोलेगा जा हमको तो पता ही नहीं डिप्लीशन। फिर आप खोलिएगा किताब, क्या खराब नहीं लगेगा कि सर आपका जूनियर को पता है जो वहां काम करता है कि डिप्लीशन मेथड में कैसे निकालते हैं डिप्लीशन। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोल रहे हैं दोस्त ये मेंटेलिटी को बदलिए कि सर हम छोड़ के भागेंगे। मेंटेलिटी तो ये होना चाहिए कि सर सब पढ़ेंगे और हम भी तो देखें कि आखिरकार क्या है इस चैप्टर के साथ जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हमको बहुत सारे कमेंट आए हैं इस चैप्टर को लेके, और जबकि हमको कभी नहीं समझ में आया कि डेप्रिसिएशन में किसी को दिक्कत कैसे हो सकता है कि सर एसेट्स का अकाउंट बनाना है, एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, इस चैप्टर में कैसे दिक्कत हो सकता है। हाँ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि सर हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता हो तो अलग बेटर है। तो हम बोलेंगे दोस्त अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका अकाउंट बहुत अच्छा हो, इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत दिल से पढ़िए, बेहतरीन पढ़िए, बहुत कुछ सिखाएगा यह चैप्टर आपको। और अगर अभी भागिएगा तो सीए फाइनल में पहुंचिएगा ना, तब कहां भागिएगा, वापस आएगा एएस के रूप में, इंटर में भी मिलेगा एएस के रूप में, वहां पे आपके सर आपको पढ़ाएंगे। और फिर आप पूछिए काश हम पढ़ के ही आए होते फाउंडेशन में तो आज कितना बात हमको समझ में क्लियर कट आ जाता। दूसरी बार सुनने में चीजें हमेशा आसान होती है, फर्स्ट बार कोई चीज सुनते हैं तो टफ लगता है, उसी चीज को 2 महीने बाद कोई और बोलता है तो क्योंकि फर्स्ट टाइम सुन चुके हैं तो सेकंड टाइम इजी लगता है वो चीज। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को तो 100 नंबर तो पढ़ के जाना है एग्जाम कि सर सब इंपॉर्टेंट है, सीए इंस्टीट्यूट का बुक में लिखा हुआ हर एक बात इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ेंगे और फिर इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखेंगे पूछो डेप्रिसिएशन, तुमको जिस मेथड से पूछना है पूछो, हम लोग तैयार है, बस इस कॉन्फिडेंस से पढ़ेंगे हम लोग। सर इसमें क्या सभी मेथड में सेम बात है? हम बोले दोस्त बनाने का तरीका अगर हमसे तुम पूछो तो हम बोलेंगे इतना सारा का तुम खाली डेप्रिसिएशन का पैसा निकालने का तरीका अलग होगा, अकाउंट एक जैसा बनेगा कि हाँ सर अकाउंट एक जैसा ही बनता है, अलग किसमें होगा? हम बोले थोड़ा सा चेंज होगा एन्यूटी में, लॉजिकली समझाएंगे क्यों। सिंकिंग फंड वो एकदम डिफरेंट होगा, लॉजिक से साथ समझेंगे क्यों। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कुछ कुछ इससे उठाएंगे, कुछ ही अपना बात कहेगा। चेंज इन मेथड सर ये सेम, बस मेथड बदलेगा बाकी सेम। रिवैल्यूएशन हम बोले सर मेथड सेम है बस पैसा निकालने का तरीका अलग है, मतलब जो हम सिखाएंगे लेजर बनाना, हम लोगों में लेजर सीखना होता है, तो
उसमें पैसे का इफेक्ट क्या है वो सिखाना, प्रोविजन फॉर रिपेयर। हम बोले हाँ ये एक अलग अकाउंट है प्रोविजन फॉर रिपेयर बोल के। आप देखोगे जब अल्टीमेटली सारा बात पढ़ लेंगे तो आप खुद ही एनालाइज करना कि हाँ सर लगभग लगभग सब कुछ सेम ही बना रहे थे हर बार, बस थोड़ा थोड़ा बात का एडिशन या डिलीशन कर रहे थे आप, बना तो आप एक ही जैसा रहे होते हर बात। हम बोले हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है तो सर पक्का बात है जर्नल एंट्री होगा। हम बोले दोस्त जर्नल एंट्री तो होना ही है, बिना एंट्री के अकाउंट कैसे बनेगा हमको बताओ। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जर्नल, अगर मेरा जर्नल अच्छा होगा, हम आपको डे वन से बोल रहे हैं सिर्फ एक चैप्टर आपको ईमानदारी से आना चाहिए और मेरे हिसाब से वही चैप्टर सबसे ज्यादा टफ है, वो है जर्नल एंट्री। अगर आप जर्नल एंट्री में बहुत ईमानदारी से पढ़े होंगे और आपका एंट्री बहुत क्लियर है कि सर हम कैसे एंट्री कर लेते हैं किसी चीज का, तो हम आपको गारंटी देते हैं बाकी सब तो उसी से बना। तो जो चीज जर्नल से बना है और अगर हमको जर्नल आता है तो फिर वो हार्ड कैसे हो सकेगा, बात समझते हैं मेरा। और हम तो हमेशा मानते हैं कि आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप बेहतरीन एंट्री जानते हो। चलिए शुरू करें क्या, हम बोले सर हम लोग हर क्लास में एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे और जो शॉर्ट शॉर्ट मेथड होगा वो एक ही क्लास दो तीन डिस्कस कर लेंगे, बात समझते हैं। तो हम लोग के पास सर कुल मिला के इतने सारे मेथड है तो मतलब नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगे। हम बोले ऑफकोर्स नंबर ऑफ क्लासेस तो ज्यादा होंगे, इतने सारे मेथड को समझाना सिखाना तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि शायद इसको करने में हम लोग का 5-6-7 क्लास स्टडी मटेरियल से लग जाए और बाकी आरटीपी और क्वेश्चन बैंक आप बना रहे होंगे कि हाँ सर वो तो हम बना ही रहे। आइए शुरू करें, आइए बात करें। अब हम लोग का बात चलेगा प्रैक्टिकल के ऊपर, सर होता क्या, हम एक कंपनी है बाबू, हम क्या है एक कंपनी, हम एक बिजनेस है, कंपनी छोड़ो हम एक बिजनेस, बिजनेस एक मशीन खरीदी, कितने में खरीदी 1 लाख, और उस मशीन का कैरेज फ्राइट लगा 10,000, तो मेरे लिए कॉस्ट क्या। हम बोले सर आपके लिए कॉस्ट है 1 लाख 10,000। हम बोले हाँ, फिक्स एसेट्स का नियम याद करो, थ्योरी में पढ़े हैं हम लोग कि सर अगर हम लोग कोई फिक्स एसेट्स को परचेज करके लाते हैं और उसको लाने में कोई कॉस्ट लगता है तो उस कॉस्ट को हम लोग जोड़ लेते हैं एसेट्स के दाम में। हम बोले हाँ, नियम क्या है फिक्स एसेट्स का कि सर फिक्स एसेट्स को यूज करने के पोजीशन में लाने तक में जो भी खर्चा होगा सब उसमें जुड़ जाएगा, और एक बार फिक्स एसेट यूज करने के पोजीशन पे आ जाए तो फिर उसके बाद अगर हम उस पर खर्चा करते हैं तो वो खर्चा उस पर नहीं जुड़ता है। मतलब 1 लाख का हम मशीन लाए, जैसे छोड़ो मशीन, आपके घर का एग्जाम्पल, आपके घर में क्या लगा हुआ है एयर कंडीशन, आप अपने पापा से पूछो कि एयर कंडीशन कितने का है, सपोज कीजिए बोले 40,000, तो जानते हैं 40,000 में एसी स्टार्ट थोड़ी होता है। 40,000 रुपीज तो सर परचेज प्राइस था, वो आपके घर में पहुंचा दिया, मेरे घर में रखा हुआ है एसी, क्या हवा निकलना शुरू हो जाएगा। हम बोले नहीं, उसमें से हवा नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि सर एसी को इंस्टॉल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, जो हमको और आपको नहीं आता। फिर आप क्या करते हैं सर, एक कस्टमर केयर का नंबर देता है दुकानदार, बोलता है इसमें फोन कीजिए, वो आपको लड़का भेजेगा, वो आके लगाएगा। तो हम कस्टमर केयर को फोन किए और वो बोला कि सर लड़का भेजना पड़ेगा, वो आके लगाएगा, और लड़का आके लगाएगा 2,000 रुपया और लेगा। तो प्लीज चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बताइए, 40,000 का एसी क्या चालू हो गया था। हम बोले नहीं। क्या 2,000 लगाने के बाद चालू हो गया। हम बोले हाँ। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसी, उस ठंडे हवा खाने का मशीन का कीमत कितना, क्या 40,000। अगर आप बोल रहे 40,000 तो आप रॉन्ग है, किसी चीज को यूज होने के हालत तक में लाने के लिए जो खर्चा करते हैं उस खर्चे को जोड़ लेते हैं तो कॉस्ट इज 42,000 सर, एसी का दाम तो 42,000 रुपया। हम बोले हाँ सर। अगले साल फिर हम मेंटेनेंस के लिए बुलाते हैं ताकि एसी ठंडा हवा जैसे दे रहा था वैसे देते रहे, अगले साल वो फिर आएगा फिर 2,000 रुपये मांगेगा, तो क्या अगले साल जो खर्चा 2,000 रुपये करेंगे क्या वो भी एसेट्स के दाम में जुड़ के एसेट्स का दाम बढ़ा देगा। हम बोले नहीं, वो एक्सपेंस है क्योंकि मेरा एसेट्स ऑलरेडी इन यूज है, उसके बाद अगर हम कुछ खर्चा करते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस वो खर्चा खर्चा माना जाएगा, एसेट्स का दाम नहीं माना जाएगा, बात समझते हैं मेरा।
सर मान लीजिए पुराना कार खरीदे और उसको तुरंत रिपेयर कराएं, तो क्या ये खर्चा माना जाएगा या एसेट्स का दाम? हम बोल रहे दोस्त एसेट्स का दाम। जो पुराना कार हम खरीदे हम उसका रिपेयर क्यों करा रहे हैं? ताकि वो चल सके। अगर वो चल ही नहीं सकेगा तो फिर जो कॉस्ट हम लोग लगाए हैं वो तो बेकार हो जाएगा। मान लो एक कार खरीदे पुराना 50,000 का कबाड़ खाना से, और मैकेनिक बोला सर इस पे 10,000 रुपये और खर्चा कीजिए, दौड़ने लगेगा रोड के ऊपर। मतलब अभी तक वो कबाड़ में रखा हुआ है तो बेकार है, 10 लगेगा तब वो रोड पे चलेगा और हम उसको यूज कर पाएंगे। तो हम बोले सर वो 10,000 रुपया जो उस कबाड़ पे आप लगाइएगा कार को इस पोजीशन पे लाने के लिए कि वो यूज हो सके, तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा, वो उस कार का कॉस्ट माना जाएगा। 50 + 10 60,000 रुपया कॉस्ट है कार। बात समझते हैं? तो हम बोले सर किसी भी एसेट्स को खरीदने पे जो उस पे खर्चा आप करते हैं, उस एसेट्स को यूज के पोजीशन में लाने के लिए वो खर्चा उसमें ऐड कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं मेरा? तो हम बोले सर हम एक बिजनेस है, हम एक एसेट्स खरीदे, तो क्या हुआ होगा? हम बोले सर एसेट्स खरीदे हैं तो एसेट्स खरीदने का एंट्री किए होंगे। हम बोले ठीक, फर्स्ट ईयर चल रहा है भाई, कब खरीदे? हम बोले सर मान लेते हैं 1 जुलाई 2019 को खरीदे, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ये एकदम सिंपल ले रहे हैं, सिंपल मतलब सर हम इसमें बहुत सारा चीज अभी नहीं मान रहे, इसीलिए परेशान मत होइएगा, पहले सिंपल समझ लीजिए, कॉम्प्लिकेट सर अपने आप समझ में आता है। एक एसेट्स खरीदे, क्या एंट्री? सर एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुड, टू बैंक, और सर उधार में खरीदे होंगे तो जो जिससे खरीदे हैं क्रेडिटर उसका नाम। हम बोले हां, बी एसेट्स परचेज। इसी दिन इस एसेट्स को इंस्टॉल कराने में खर्चा लगा, फॉर इंस्टॉलेशन चार्ज, कि सर इंस्टॉल कराएंगे तो क्या होगा? हम बोले बाबू अभी तो बताएं, खरीदने के समय जो खर्चा करते हैं वो एसेट्स के नाम से ही लिखा जाता है कि एसेट्स का दाम बढ़ जाएगा। टू कैश पब्लिक बैंक, बी इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, हो गया, एसेट्स आ गया। बुक्स कब बंद करते हैं? मार्च में। सर एसेट्स जब आ जाता है उसके बाद क्या होगा? हम बोले यूज करेंगे उसको और क्या करेंगे। तो सर जब ईयर का एंड आएगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, बुक्स कब बंद होगा? मार्च 2020 में। जुलाई में खरीदे, मार्च में बुक बंद हुआ, क्या 9 मंथ यूज किए? हम बोले हां। क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। पैसा निकालने का मेथड बहुत सारा लिखे कि सर मेथड पे नहीं जा रहे, अभी तो हम सीख रहे हैं कि रिकॉर्ड कैसे करते हैं। बोले हां। बोलो एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा, तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे और मेरा एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा, क्रेडिट कर देंगे। हम बोले गुड, कि सर लॉस डेबिट होता है और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होता है, डेप्रिसिएशन के लगने से एसेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा। हम बोले हां। बी डेप्रिसिएशन चार्ज। अब क्या होगा? फिर अगले साल सेकेंड ईयर का एंड आएगा, हम लोग क्या लिख रहे हैं? सर एक ही मशीन खरीदे हैं, तब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम और मशीन खरीदे? हम लोग खरीदेंगे, एंट्री नहीं पता हम लोग खरीदने का, जितना बार बोलेगा उतना बार खरीद लेंगे। हम लोग क्या, हम तो बता रहे हैं सर खरीदना बेचना ये सब तो होगा ही, एसेट्स खरीदे हैं तो खरीदने का एंट्री,
और जब बुक्स बंद होगा तो सर यूज किए हैं तो यूज करने का एंट्री? हम बोले हाँ। सेकेंड ईयर फिर यूज किए, क्या एंट्री? हम बोले सर फिर लगेगा फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर क्या आएगा? सर 31 मार्च 2021 फॉर डेप्रिसिएशन, फिर से लगेगा, जितना साल यूज करेंगे उतना साल का डेप्रिसिएशन। बोलो डेप्रिसिएशन का एंट्री नहीं आता हम लोग को? बिल्कुल आता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स बी डेप्रिसिएशन चार्ज। दो साल खत्म हो गया, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, हर साल घटते जा रहा है। अब थर्ड ईयर 1 जुलाई 2021, मार्च में बुक बंद कर लिया, थर्ड ईयर आ गया है 1 जुलाई 2021। अब आप सोचो पहला साल 9 महीना इस्तेमाल किए थे बुक्स बंद होने से पहले, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा। हम बोले हाँ। ये जो डेप्रिसिएशन लगा था कितने महीने का? 9 मंथ। क्यों 9 मंथ? जुलाई में खरीदे, पहला साल बुक बंद होता है मार्च में हम लोग, तो सर 9 मंथ यूज किए तो डेप्रिसिएशन 9 मंथ का लगा होगा। अगले साल 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 में आए, तो क्या इस साल मशीन पूरा 12 महीना इस्तेमाल हुआ? हम बोले हाँ। तो सर 12 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा होगा? बोले बिल्कुल 12 मंथ का लगा होगा। अब 1 जुलाई 2021 को इस एसेट्स को बेच दिए, सर एसेट्स को बेचे, बताओ क्या होगा? हम बोले बाबू एसेट्स को अगर बेचेंगे उससे पहले ये ध्यान रखें कि सर कसम खाते हैं जब भी एसेट्स को बेचने का बात आएगा, पहले बेचने के दिन तक, जो लास्ट बुक बंद हुआ है वहां से बेचने के दिन तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यूज किए हैं। बुक्स लास्ट कब बंद हुआ था? 31 मार्च 21 को, और 1 जुलाई को हम मशीन बेचने जा रहे हैं, तो क्या 31 मार्च से लेकर के 1 जुलाई तक उस मशीन को यूज नहीं किए होंगे? अप्रैल मई जून 3 महीना यूज किए होंगे। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जब भी सेल होगा, सेल होने से पहले जिस एसेट्स को बेच रहे होंगे सिर्फ उस पर बेचने के दिन तक क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। समझ में आता है मेरा बात? कि हाँ सर सही तो बोल रहे हैं आप, जिस एसेट्स को हम बेचने जा रहे हैं पहले बेचने के दिन तक यूज किए होंगे, और अगर यूज किए होंगे तो उसपे तो ऑटोमेटिक क्या लग गया होगा? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे? पहला स्टेप 1, चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। आप जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसको बेचने के दिन तक उस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो हम बोले सर आपका तो 3 महीना। हम बोले लगाओ क्या एंट्री? एंट्री तो भली बात ही आती है, कितने मंथ का लगाएंगे? 3 महीना। सर अगर दिन में होगा तो उतना दिन का। टू एसेट्स, जैसे मान लो 10% चल रहा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की, सर डेप्रिसिएशन एनुअली लगता है 10%, तो हम बोले सर 3 महीना का लगाना है, तो जितना वैल्यू है इनटू रेट बाय 100 इनटू 3/12, और डेज भी रहेगा तो डेज डिवाइड बाय 365 बी डेप्रिसिएशन चार्ज। सेकेंड स्टेप, फॉर सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचो। क्या बेचने और खरीदने का एंट्री सिखाना पड़ेगा आपको? कि सर बेचेंगे तो पैसा आएगा और एसेट्स चला जाएगा? हम बोले हाँ।
क्या बेचने में फायदा नुकसान हो सकता है? कसम नंबर दो। पहला कसम क्या? जिस एसेट्स को बेचेंगे बेचने के दिन तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे। हम बोले हाँ। दूसरा कसम, जब बेचेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सर बेचने में फायदा नुकसान पक्का होगा। हम बोले हाँ। नुकसान होगा तो सर लॉस को डेबिट कीजिए, लॉस ऑन सेल, और फायदा होगा तो सर फायदा क्रेडिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। आई होप आप समझ रहे। दो कसम खा लिए। सर सेल करने वाला ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला कि जब सेल करेंगे तो बेचने वाले एसेट्स को बेचने के दिन तक पहले डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। हम बोले हाँ। सेकेंड, जब बेचने का बात आएगा तो बेचने से पक्का पक्का या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा। फायदा होगा तो क्रेडिट, नुकसान होगा तो डेबिट। यहां तक लिखो। सर क्या सिर्फ सेल हो सकता है एसेट्स का? बोले नहीं, एसेट्स बर्बाद भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। कि सर एक्सीडेंट हो गया, आग लग गया, उस केस में क्या? हम बोले सेम सेल की तरह सोचना। इन द ईयर ऑफ फायर और एक्सीडेंट, जब एसेट्स में आग लगेगा या एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा? हम बोले सेम, जस्ट लाइक सेम। दो कसम। पहला, सर आप बोले थे बेचने के दिन तक का डेप्रिसिएशन। हम बोल रहे हैं आग लगने के दिन तक का डेप्रिसिएशन। पहला तो वही है सर, चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू दी डेट ऑफ फायर और एक्सीडेंट। क्या एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। टू, एसेट्स, जितने मंथ बुक बंद करने से लेकर के आग लगने या एक्सीडेंट होने तक का डिस्टेंस होगा उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। बोले ठीक, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। दूसरा, सर एसेट्स में आग लग जाएगा तो क्या होगा? हम बोले क्या होगा, एसेट्स खत्म हो जाएगा। तो सर टू एसेट्स, एसेट्स खत्म, डेबिट क्या होगा? हम बोले अगर इंश्योरेंस कराए होंगे तो इंश्योरेंस का क्लेम, और नहीं कराए होंगे तो लॉस बाय फायर, और कराए होंगे तो हो सकता है एसेट जला है 20,000 का, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 15,000, कितना का लॉस? 5,000। सर कभी ऐसा भी होगा कि एसेट्स 20,000 का जला, इंश्योरेंस 25 दे दिया? हम बोले ऐसा नहीं होगा। फिर भी बुक में अगर बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू एसेट्स टू प्रॉफिट। हालांकि बाबू बी प्रैक्टिकल, ऐसा क्यों होगा? इंश्योरेंस कंपनी क्या अपने आप को बंद करने के लिए खोली है? वो किसी का संपत्ति जला है 20 का, देंगे इसको 25,000, पैसा बांट रही है क्या वो किसी को? तो ऐसा नहीं होगा। क्या ये एंट्री भी सेल की तरह? हम बोले हाँ बाबू, बैंक के जगह क्या लिखे? इंश्योरेंस क्लेम। एसेट्स जब भी जाएगा, चाहे वो बेच के जाए चाहे वो जल के जाए, जाने से तो हमेशा प्रॉफिट लॉस का चक्कर बनेगा, प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर ये सेम केस है। किस तरह? सेल की तरह, कि सर एसेट्स जब भी जाता है आपको टेंशन लेना ही नहीं है। आपको क्या करना है? सर एसेट्स गया, जाने के दिन तक पहले डेप्रिसिएशन लगा लीजिए, फिर उस एसेट्स के जाने से क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस? बोले हाँ। बीन एसेट्स डिस्ट्रॉय, सर एसेट्स डिस्ट्रॉय। सर और कुछ हो सकता है? हम बोले हाँ, एक्सचेंज हो सकता है, फॉर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। क्या हम लोग अपना मोबाइल एक्सचेंज कराते हैं? बिल्कुल, आप अमेजोन में जाओ, वो बोलेगा नया मोबाइल लो, पुराना मोबाइल दो,
फिर कुछ पैसा ही मांग लेगा आपसे। हम बोले ठीक। क्या एक्सचेंज जिस साल होगा, जिस एसेट्स को हम एक्सचेंज कर रहे होंगे, क्या वो एक्सचेंज होने के दिन तक यूज किए होंगे? हम बोले ऑफ कोर्स। और अगर यूज किए होंगे तो क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा, एसेट्स अगर यूज कीजिएगा तो हमेशा क्या लगता है उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन। जितने समय का यूज उतने समय का डेप्रिसिएशन। तो हम बोले सर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में भी पहला कि सर अप टू द डेट ऑफ एक्सचेंज चार्ज डेप्रिसिएशन। हम बोले हाँ, ये तो बोलने का बात ही नहीं है कि सर अगर एक्सचेंज होगा तो क्या लगेगा? हम बोले चार्ज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या डेप्रिसिएशन लगा सकेंगे? हम बोले हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बीन डेप्रिसिएशन चार्ज। फिर क्या होगा? अब एक्सचेंज करो। फॉर एक्सचेंज पुराना एसेट्स दे दो, पुराना मोबाइल दे दो। तो सर पुराना एसेट्स जाएगा। हम बोले हाँ, पुराना एसेट्स जाएगा ओल्ड, बदले में सर एक नया एसेट्स आएगा। हम बोले हाँ, ये न्यू वाला आएगा। क्या कुछ पैसा भी मांग सकता है? हम बोले हाँ, कुछ पैसा भी मांग सकता है। तो पैसा जाएगा। क्या एक्सचेंज करने से भी प्रॉफिट लॉस होगा? हम बोले पक्का, लॉस ऑन एक्सचेंज। तो सर ये भी तो फिर सेल की तरह ही तो है? हम बोले हाँ, सेल की तरह ही, बस हम तो ऐसे ही लिखवा रहे हैं। क्या एक्सचेंज करने से प्रॉफिट हो सकता है? बोले हो सकता है, तो क्रेडिट कर देना प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। बात समझते हैं? बीइंग एसेट्स एक्सचेंज। बात समझ रहे? तो हम बोल रहे बाबू केसेस थोड़ी रट सकते हैं, कितना केसेस हो सकता है? क्या हम रटने बोलते हैं? केस बनाओ। केस क्या बनाएंगे भाई? एसेट्स आएगा जब खरीदेंगे, और एसेट्स चला जाएगा जब हम उसको बेचेंगे या यूज करेंगे। क्या यूज करने से एसेट्स खत्म हो जाएगा? हम बोले हाँ, हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा। बात समझते हैं मेरा? तो ये था कुछ बात एंट्री के ऊपर। एंट्री हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। लिखिए यहां तक। आओ, एंट्री के बाद सर इसमें क्या पूछा जा सकता? बोले लेजर, वही पूछा ही जाता है। लेकिन क्या एंट्री पूछा जाता है? बोले हाँ बाबू, सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम है, वो आपसे क्या कब पूछेगा कोई नहीं जानता, आपको सब कुछ आना चाहिए। लेजर, लेजर सर अकाउंट बनाना है। बोले हाँ, क्या क्या बनाना रहेगा प्रायोरिटी में? एक एसेट्स अकाउंट सर, एक तो बनाना होगा एसेट्स अकाउंट। फॉर्मेट बनाओ लेजर का, ये तो हम लोग को भली बात ही आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सुनना चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसेट्स अकाउंट बनाना है, क्या एसेट्स का रूल पता है? हम बोले हाँ, क्योंकि जब हमको अकाउंट बनाने बोलेगा तो हम थोड़ी ना एंट्री करेंगे पहले कि हाँ सर पहले एंट्री करते फिर उसको देख देख के पोस्ट करेंगे, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाएगा फिर। तो हम बोले दोस्त लेजर बनाना है, किस चीज का? एसेट्स का। हमको बताओ तो एसेट्स का रूल क्या है जर्नल एंट्री में? सर इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट होता है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होता है। बोले बस तुमको आता है फिर? जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो कहां लिखना? डेबिट में। सर कब करेगा इंक्रीज? जब आप खरीदिएगा। क्या एसेट्स खरीदेंगे तो जो एसेट्स खरीद रहे हैं वो बढ़ेगा? हम बोले हाँ, अगर हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं तो मशीन कब बढ़ेगा? जब हम खरीदेंगे उसको। तो सर जब आप मशीन को खरीदिएगा तो कहां लिखिएगा? हम बोले डेबिट साइड में। और एसेट्स घटता कब है? हम बोले सर एसेट्स घटता है जब आप उसको यूज करते हैं, या वो बिक जाता है, या फिर वो
एक्सीडेंट में बर्बाद हो जाता है। हम बोले हाँ। तो सर एसेट्स जब घटेगा तो क्रेडिट में, तो आपको मालूम चल गया कि सर एसेट्स घटता है तीन वजहों से। एक ड्यू टू यू, जिसको आप बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट में। ड्यू टू सेल, बेचने से घटता है, कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू एक्सचेंज, एसेट्स घट सकता है, घटने का बात कहां रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट में। हम बोले हाँ। तो सर लेजर जब बनाएंगे तो बस इतना ही तो बात है, सर खरीदेंगे तो एसेट्स बढ़ जाएगा डेबिट में, यूज करेंगे हर साल के एंड में, जब भी बुक्स बंद होगा तो एसेट्स का यूज लिख देंगे, यूज का मतलब डेप्रिसिएशन, कि हाँ सर इतना रुपया यूज कर लिया, तो उतना रुपया से वो क्रेडिट हो जाएगा कि हाँ सर इतना रुपया का एसेट्स खत्म, यूज कर चुके हैं, आपका एसेट्स घट गया। और कब घटेगा? जब बेचिएगा सर, क्रेडिट में। और कब घटेगा? डिस्ट्रॉय होगा, क्रेडिट में। और कब घटेगा? एक्सचेंज होगा, क्रेडिट में। बात समझते हैं मेरा? कि सर बड़ा सिंपल है ये तो, कि एसेट्स इंक्रीज करेगा खरीदने से डेबिट साइड लिखेंगे, एसेट्स घटेगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, घटने का कारण क्या? हम बोले सर डेप्रिसिएशन, सेल, डिस्ट्रॉय, एक्सचेंज। हम बोले ओके, इतना हो तो बात है। नंबर टू, ध्यान सुनिएगा, हर एसेट्स का हम लोग अलग अलग नाम लिखेंगे। मतलब अगर मान लो क्वेश्चन में चार एसेट्स है तो हम लोग ज्वाइंट कभी नहीं करेंगे एसेट्स को, खास करके हम तो कभी ज्वाइंट नहीं करते एसेट्स को, हर एसेट्स को इंडिविजुअल लिखते हैं। उससे होता यह है कि बनता जरूर बड़ा है लेकिन कभी भी हमको कंफ्यूजन नहीं होता, हम बड़ा क्लियर कट रहते कि हाँ सर आप सारा एसेट्स को अलग अलग लिखें। सवाल उठता है सर आप अलग लिखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम वर्किंग करने से बचना चाहते हैं। अगर आप एसेट्स को अलग अलग लिखिएगा तो बेचने के समय आपको खुद दिख जाएगा कि जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उस एसेट्स पे प्रॉफिट है या लॉस। बात समझते हैं मेरा? कि सर एसेट्स का नाम आप हमेशा अलग अलग लिखते हैं। हम बोले हाँ। अगर कभी ऐसा हो कि कोई एसेट शुरू में तो ज्वाइंट खरीदा था और चार साल बाद या तीन साल बाद क्वेश्चन बोलता है कि इसका 50%, 30%, 20% पार्ट हम बेच देंगे, तो याद रखिएगा खरीदने के समय ही हम लोग, क्वेश्चन तुम पूरा पढ़े ही होंगे, पढ़ के तो मालूम चल ही जाएगा कि हाँ सर जिस एसेट्स को आज आप खरीद रहे हैं उसका 50% पार्ट आगे चल के बिक जाएगा, तो खरीदने के समय ही अलग कर लेंगे कि सर खरीदने के समय एक मशीन नहीं था, दो था, M1, M2, क्योंकि एक मशीन बिकने वाला। हम क्या बोले दोस्त? हम बोल रहे हैं जब हम लोग बनाएंगे तो बनाना काफी सिंपल है, प्रोवाइडेड आप नियम को पता रखिए कि सर नियम क्या है। पहला तो नियम यही सीखे कि सर एसेट्स अकाउंट बनाना है तो एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट में कैसे बढ़ेगा? हम बोले सर खरीदिएगा तो बढ़ जाएगा, और घटेगा तो क्रेडिट में कैसे घटेगा? हम बोले सर यूज करने से, मतलब डेप्रिसिएशन। दूसरा सर सेल करने से। तीसरा डिस्ट्रॉय होने से। चौथा एक्सचेंज करने से भी घटेगा एसेट्स। हम बोले हाँ। फिर हम लोग दूसरा बात नियम क्या सीखे कि सर हर एसेट्स को इंडिविजुअली लिखा जाएगा, उसका खरीदना, उसका डेप्रिसिएशन, उसका बेचना, सब इंडिविजुअल अलग अलग। अगर हम पांच मशीन खरीदे हैं तो खरीदने के समय लिखेंगे सर डेबिट साइड में पैसा का नाम टू बैंक और उसके अंदर M1, M2, M3, M4, M5, किस तरह हम लिखेंगे। और अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लगे पढ़ के कि सर शुरू में तो सिंगल मशीन खरीदे थे, आगे चल के उसका पार्ट बिक गया है, तो खरीदने के समय शुरू में ही बाबू उस पार्ट को अलग कर लीजिएगा और मानिएगा दो मशीन खरीदे हैं, एक बाद में बिकेगा। ऐसा करने से विश्वास कीजिए बहुत इजी लगेगा बनाना, हो सकता है लेंदी लगे कि सर टाइम लगता है बनाने में, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं कि सही बनेगा हर बार। बात ठीक मेरा? ये हुआ हम लोग का बनाने का तरीका। अब आते हैं सर कैसे बनाना है। बोले बहुत सिंपल, खरीदेंगे तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। मान लो हम खरीदे, कब खरीद रहे हैं? फर्स्ट ईयर में हम खरीदे हैं, फर्स्ट जुलाई को मान लो 2019 खरीदे हैं, एसेट्स बढ़ गया, टू बैंक पहला मशीन पैसा लिख दिए, ये क्या होगा? हम बोले बाबू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, दोनों का दाम जोड़ के पैसा लिख दिया। अब इस साल कुछ नहीं हुआ तो सर बुक्स बंद होने का दिन आएगा। हम मानते मेरा बुक्स मार्च में बंद होता है,
जुलाई में खरीदे मार्च में बंद हुआ है, क्या लगेगा? हम बोले डेप्रिसिएशन। जब भी बुक्स बंद होगा मेरे पास जो भी एसेट्स अवेलेबल होगा उस पर क्या लगा देंगे हम? डेप्रिसिएशन। फिर सुनो हम क्या बोले, सर लेजर क्लोज करना पड़ेगा हर साल। हम बोले हाँ लेजर तो क्लोज होता ही है हर साल, 31 मार्च या 31 दिसंबर जब भी बुक्स बोलता होगा बंद करने क्वेश्चन बंद करेंगे। याद रखिएगा दोस्त, अगर आप बुक्स को बंद करेंगे तो सबसे पहले लगेगा डेप्रिसिएशन। जिस दिन बुक्स बंद होगा उस दिन सबसे पहले क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस के पास जो एसेट्स पड़ा हुआ होगा उस पर क्या लगना है? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब सर जो बेच दिए होंगे उस पर थोड़ी लगेगा बुक्स बंद होने के दिन। हम बोले हाँ, जब वो एसेट्स मेरे पास है ही नहीं तो हम उस पर कैसे लगा सकते हैं डेप्रिसिएशन? तो जो एसेट्स मेरे पास है उस पे बुक्स बंद होने के दिन पहले क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। हम बोले ओके, बाय डेप्रिसिएशन। M1 कैलकुलेट करने का अपना तरीका होगा कि कैलकुलेट किया जाएगा और फिर निकालेंगे क्या? बैलेंस CD। CD का मतलब रिमेनिंग बैलेंस। मेरा बात सुनिएगा दोस्त, हम कभी भी बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकालेंगे और ना आपको निकालने देंगे। बैलेंस CD कैसे निकलेगा? हम बोले बाबू ध्यान दो, डेबिट साइड में M1 है। हम बोले हाँ, क्रेडिट साइड में भी M1 है। डेबिट साइड के M1 से क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कीजिए। डेबिट साइड का M1 मतलब 2 साइड में, क्रेडिट साइड का M1 मतलब 2 साइड में। क्या दोनों साइड में M1 दिख रहा है? बोले हाँ। बैलेंस CD कैसे निकालेंगे? डेबिट साइड के एसेट्स, हर एसेट्स को बोल रहे हैं, इंडिविजुअल एसेट्स को क्रेडिट साइड के इंडिविजुअल एसेट्स से माइनस कीजिए। बी सिंपल, 1 लाख का चीज खरीदे, 10,000 रुपया यूज कर लिए, कितना बचा? 90। तो 90 निकाल के दिखा रहे हैं आपको, 1 लाख माइनस 10 तो 90। सर M1 कितना का बच गया? हम बोले 90, ये है M1। फिर क्या होगा? जैसा कि जानते हैं सर, जो बैलेंस CD होता है वो नेक्स्ट डे अगले ही दिन अपोजिट साइड में BD होता है। नेक्स्ट डे 31 मार्च के बाद अगला दिन सर अप्रैल फूल, 1 अप्रैल आ जाएगा। इस CD को देख करके लिख देना बैलेंस BD M1। पैसा वही लिखना है देख के दोस्त की, सर यही वाला पैसा, ये जो पैसा है यही पैसा यहां आया। हम बोले हाँ, CD हमेशा अगले दिन BD हो जाता है। नेक्स्ट डे एकदम फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट डे में क्या होने वाला है? वो BD किस साइड? CD जिस साइड आता है उसके उल्टे साइड। लेजर याद करो, लेजर सीखे हम लोग। तो हम बोले सर CD को BD कर लिए। अब बताइए, अब एक बात सोचो, हम लोग एसेट्स खरीदे थे जुलाई में, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, तो क्या हम लोग एसेट्स को 1 साल यूज किए होंगे? नहीं। कितना महीना? 9 महीना। तो सर जो डेप्रिसिएशन निकला होगा M1 पे वो कितने मंथ का? सर 9 मंथ का। अब कब खड़े हैं? पहला साल खत्म, अब हम खड़े हैं 1 अप्रैल 20 को, और 1 अप्रैल 20 को मेरे पास एक मशीन पहले से है। बोले एक मशीन तो है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 को फिर से एक मशीन खरीदी। क्या खरीदे तो एसेट्स बढ़ा? हम बोले हाँ। तो डेबिट नाम दो M2, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन। हम बोले हाँ, लिख दी। सर फिर बुक बंद होगा? हम बोले पक्का। कब? 21 में। क्या मेरे पास अब 2 एसेट्स है M1 M2? हम बोले हाँ। क्या डेप्रिसिएशन दोनों पे लगाना पड़ेगा? हम बोले बिल्कुल। M1 पे भी लगाएंगे, M2 पे भी लगाएंगे। द क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा दोनों पे? हम बोले बहुत सिंपल है, पीछे का बात छोड़ो, इस साल को देखो। M1 का डेट 1 अप्रैल था, बुक्स बंद हुआ है 31 मार्च। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक M1 यूज हुआ है? हम बोले हाँ। तो सर M1 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 12 मंथ का लगेगा। बोलो हाँ, फॉर 12 मंथ। M2
सर अभी अभी इसी साल को, पिछले साल मतलब नहीं हुआ, सिर्फ इस साल देखो, 1 अक्टूबर को खरीदे, बुक्स कब बंद हुआ, मार्च में, तो सर M2 अक्टूबर में खरीदे हैं, बुक्स बंद हुआ है मार्च में, तो 6 महीना, तो जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा वो कितने महीने का, 6 महीने का, दोनों का पैसा लिख देंगे पैसा। अब क्या होगा, हम बोले सर बुक्स बंद कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, याद है ना, बुक्स बंद होने से पहले डेप्रिसिएशन लगता है, लग गया, बाय बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब सर जो बच गया, क्या M1 M2 बचा, हम बोले हाँ। कैसे निकालेंगे सर, डेबिट साइड के M1 सेकेंड ईयर देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर से कोई मतलब नहीं, वो तो निपट चुका है, फर्स्ट ईयर देखिए, सेकेंड ईयर देखिए, सर आप बोले थे बैलेंस सीडी कभी भी बैलेंस करके नहीं निकालेंगे, डेबिट साइड के एसेट से क्रेडिट साइड के एसेट्स को माइनस कीजिए, हम बोले हाँ। क्या डेबिट साइड में M1 है, हम बोले हाँ। क्या क्रेडिट साइड में भी M1 है, हम बोले हाँ। तो सर डेबिट साइड का जो M1 है उससे क्रेडिट साइड के M1 को माइनस कीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। सिमिलरली M2, क्या डेबिट साइड में M2 है, हम बोले हाँ। क्या क्रेडिट साइड में भी है, हम बोले हाँ। तो सर डेबिट साइड के M2 से क्रेडिट साइड के M2 को माइनस कीजिए, पैसा मिल जाएगा। सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि इसको हम जोड़ लेते और यहां लिख देते, हम बोले हाँ। फिर उसको यहां लिख करके इस डेप्रिसिएशन को माइनस करते तो बैलेंसिंग फिगर आ जाता, हम बोले बिल्कुल, वो भी इतना ही आता, हम बोले उतना ही आता। तो सर ये तो ज्यादा इजी पड़ता है, इसमें टाइम बर्बाद होता है, हम बोले दोस्त अभी टाइम बचा लोगे तो बाद में वर्किंग करना पड़ेगा। अब तुम सोचो एक मिनट दिमाग से, कॉमन सेंस से, कि सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप लोग, अगर दोनों एसेट्स को जोड़ देंगे और बाद में आगे चल के किसी एक एसेट्स को बेचेंगे, तो उस एसेट्स जिसको बेचेंगे उसको आप प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर एसेट्स दोनों जुड़ जाएगा, बिक तो बस एक ही एसेट्स रहा है, तो जिस एसेट्स को बेच रहे हैं उसका कीमत पता रहेगा, तभी तो बताइएगा प्रॉफिट लॉस कितना। इसलिए हम बोले दोस्त 2 मिनट यहां टाइम दोगे तो वर्किंग नोट से बच जाओ, फिर आपको वर्किंग नोट करने जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ सर सब यही दिख रहा है, अलग अलग रखो, अलग करने का तरीका तो बताई दिए सर, ये हो गया टोटल। अब बताइए, हम बोले सर सीडी फिर बीडी होगा अगला ही दिन, हम बोले हाँ। क्या मेरे पास अब दो दो को बीडी है, हम बोले हाँ, एक M1 का एक M2 का, हम बोले वेरी गुड। क्वेश्चन बोला कि 1 जुलाई 2021 को M1 को बेच देंगे, कसम याद दिला रहे सर, जिस एसेट्स को बेचेंगे बेचने के दिन तक पहले क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन सिर्फ उस एसेट्स पे जिसको बेच रहे हैं, सब पे लगाए नहीं बैठ जाएंगे कि सर 1 जुलाई को M1 बिक रहा है, हम M1 M2 दोनों पे लगा रहे हैं, क्यों लगाएंगे भाई, जो एसेट्स बिकेगा सिर्फ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है बेचने के दिन तक, बाकियों पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो हम बोले सर मान लीजिए M1 को बेच रहे हैं तो सबसे पहले क्या लगेगा, हम बोले डेप्रिसिएशन ऑन M1, अप्रैल का चीज है, थर्ड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर देखना सिर्फ, सेकेंड और फर्स्ट से कोई मतलब नहीं है। थर्ड ईयर चल रहा है दोस्त, हम बोल रहे हैं सर बेचे हैं जुलाई में, क्या M1 अप्रैल से लेके जुलाई तक मेरे पास था, हम बोले हाँ। तो क्या किए होंगे उसको यूज, तो सर कितने महीने का डेप्रिसिएशन, हम बोले 3 महीने का। अभी तक हम मेथड पे नहीं आए, हम बस तरीका सिखा रहे हैं कि सर बनाया कैसे जाएगा। फिर क्या होगा, हम बोले अब बेचो, दूसरी कसम बेचो, बाय बैंक, ये क्या है सेल, M1 बिक गया, क्या बेचने से दूसरी कसम फायदा नुकसान होगा, हम बोले हाँ। एसेट्स आता है इंक्रीज होता है तो डेबिट, बेचने से क्या हुआ डिक्रीज, तो कहां लिखेंगे क्रेडिट, याद करो कि हाँ सर यही तो नियम है, एसेट्स जब खरीदते हैं तब इंक्रीज करता है, इंक्रीज डेबिट होता है, एसेट्स का नियम है, और जब सर एसेट्स को यूज करते हैं या बेच देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है डिक्रीज, कहां रिकॉर्ड करता है क्रेडिट, अगर हम बेचे हैं तो क्या क्रेडिट में लिखेंगे, हम बोले ऑफ कोर्स। क्या बेचने से प्रॉफिट लॉस होगा, अगर लॉस हुआ तो बाय, लॉस ऑन सेल ऑफ M1, सर अगर प्रॉफिट हुआ तो 2,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M1। क्या पहला M1 मशीन खत्म हो गया मेरे पास से? हम बोले हाँ सर, पहला मशीन तो खत्म हो गया। क्या अभी भी मेरे पास दूसरा मशीन है? हम बोले हाँ दूसरा मशीन है, हम उस पर आएंगे। सुनिएगा बात, जब भी किसी एसेट्स को बेचे या डिस्ट्रॉय करें या एक्सचेंज करें, ऑलवेज सी दैट कि सर उस एसेट्स का वैल्यू डेबिट और क्रेडिट में बराबर हो जाए हर बार, वरना आप गलत बना रहे। हम क्या बोले, जब कोई एसेट्स आपके पास से चला जाएगा तो आप हमेशा चेक करो कि सर एसेट्स का डेबिट और क्रेडिट, उस इंडिविजुअल एसेट्स का डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। जैसे सपोज करो M1 था 70 का, उसमें से 5000 तीन महीने का डेप्रिसिएशन, बेचे उसको 60,000, 70 का चीज था 5 का डेप्रिसिएशन, तो 65,000 का चीज बचा हुआ था, बेचे हैं 60 में, तो कितना का लॉस हुआ हमको? 5 का लॉस लिख दिए। जानते हैं M1 डेबिट में भी 70 है, क्रेडिट में भी 70 है, हमेशा होगा दोस्त हमेशा। सर अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता तो 70 का चीज है 75 में बेचे, तो हमेशा 70 का चीज है, 5 का डेप्रिसिएशन लगा दिए तो 65 बचा, बेचे कितना में? 75 में, 10 का प्रॉफिट, तो यहां कितना लिखेंगे M1 में? प्रॉफिट ऑन सेल 10,000। तो 70 और 10 कितना हुआ? 80। तो हम बोले सर 75 और 5 तब भी कितना होगा? 80। ऑलवेज होगा, जब भी आप एसेट्स अकाउंट बनाओ एक बात ध्यान रखना कि सर एसेट्स का साइड जितना डेबिट में होता है उतना ही क्रेडिट में होता है हर इंडिविजुअल एसेट्स। आप चेक कर लो, कभी भी किसी भी ईयर को उठा लो, तुम देखेगा कि सर M1 जितना डेबिट में है उतना ही क्रेडिट में। तो सर आप इस साल क्यों बता रहे हैं? बाकी साल में आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट बैठ जाता है। सेल वाले साल में हम आपको चौंका बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मुस्तैद हो जाइएगा कि हाँ भाई ध्यान देना है कि अगर हम M1 बेच रहे हैं तो जितना पैसा M1 का डेबिट में लिखा हुआ है उतना ही पैसा M1 का क्रेडिट में होना चाहिए, अदरवाइज आपसे गलती बनता है। बात समझते हैं मेरा? अब मेरे हिसाब से ये बात जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो और क्लियर करेंगे, फिर भी कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए कि हाँ सर जितना डेबिट में M1 है उतना ही क्रेडिट में M1 है, जितना डेबिट में M2 होगा उतना ही क्रेडिट में M2 होगा। हम बोले हाँ। अब M1 को बेच दिए सर, क्या बचा? हम बोले M2। क्या बुक्स बंद होगा? हम बोले होगा, M2 रखा हुआ तो बंद तो करेंगे ही बुक। सर 31 मार्च 2022 सबसे पहले जब बुक्स बंद करते हैं तो क्या लगता है? हम बोले सर डेप्रिसिएशन। ये कोई अब पूछने की बात तो रही नहीं कि सर बुक्स बंद कीजिएगा तो जो एसेट्स बचा हुआ रहेगा उसके तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। द क्वेश्चन इज M2 पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन? बोले सर बहुत सिंपल है, M2 1 अप्रैल 21 को जो पैसा था वो कब तक इस्तेमाल हुआ है? 31 मार्च 22 तक, तो पूरा साल भर का, 12 मंथ का। जब तक यूज करेंगे तब तक का डेप्रिसिएशन है। बोले ठीक, अब क्या निकालेंगे सर? बैलेंस CD। CD का मतलब बचा हुआ। क्या बचा हुआ? जो एसेट्स मेरे पास है, मेरे पास तो सिर्फ M2 है, M1 तो है ही नहीं। क्या बैलेंस CD में M1 आएगा? हम बोले तुम चाहेगा तब भी नहीं आ पाएगा क्योंकि M1 जितना डेबिट में है उतना ही पैसा क्रेडिट में आप लिख चुके होंगे, तो M1 ऐसे भी CD में जीरो आने वाला। अगर आप मेरा बात को रट लिए हैं कि सर बैलेंस CD आप बोले थे कि डेबिट साइड में जो मशीन रहेगा उसका क्रेडिट साइड माइनस करेंगे और तब लिखेंगे बैलेंस CD, हम बोले हाँ। तो अगर आप रट भी लेंगे तो बैलेंस CD जब यहां M1 लिखेंगे तो डेबिट साइड का पैसा माइनस क्रेडिट साइड का M1 का पैसा वो जीरो हो जाएगा, ये बिक चुका है, तो डेबिट क्रेडिट अपने आप बराबर है, वो खत्म। तो सर किसका निकलेगा? बोले M2 का। कैसे निकालेंगे सर? 2 साइड का M2 से 22 साइड का M2 को माइनस कीजिए, उससे क्या निकल जाएगा? बैलेंस शीट। सिर्फ ऐसे ही बनाना होता है एसेट्स का अकाउंट, जो काफी सिंपल है, काफी आसान है। आपको एक ही बात का मन में फिक्र चल रहा है कि सर अगर मान लीजिए 4 मशीन होगा तो हम 4 बार नाम लिखेंगे डेप्रिसिएशन में, 4 बार बैलेंस CD में, 4 बार बैलेंस BD में। हम बोले हाँ। तो सर इससे तो बहुत लेंदी बनेगा। हम बोले लेंदी बनने का टेंशन मत लीजिए, ये देखिए कि सर कॉन्सेप्चुअली कितना क्लियर कट बनता है चीजें। हम हर मशीन के बारे में कोई पूछेगा तो बता देंगे कि हाँ भाई ये मशीन इतने का बचा है, ये मशीन इतने का बचा है, ये मशीन इतने का बचा है। जो आगे बनाएंगे तो फिर तो फंस जाएंगे।
हम एक मशीन के बारे में बता ही नहीं पाएंगे, हम तो ग्रुप के बारे में बताएंगे, सब मशीन का वैल्यू इतना। कोई पूछ देगा बताओ दोस्त ये M1 कितने का बचा हुआ है, हम बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अलग अलग रखेंगे हम कॉम्बाइन भी बता पाएंगे, हम इंडिविजुअली भी बता पाएंगे। तो बेटर अप्रोच नहीं है कि सर हम अलग अलग बनाए? प्लस वर्किंग से छुटकारा है दोस्त, वर्किंग नहीं करना पड़ता है हमको कभी भी। बात समझते हैं मेरा? ये हुआ हम लोग का एसेट्स अकाउंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर अगर मान लीजिए डिस्ट्रॉय होता तो सेम कहानी, सेल वाला पहले डिस्ट्रॉय होने के दिन तक का डेप्रिसिएशन, उसके बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है तो सर बाय इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद बाय लॉस। एक्सचेंज करते तो सेम कहानी, एक्सचेंज करने तक का नाम कि सर ये एक्सचेंज करने तक का डेप्रिसिएशन, फिर वो एसेट्स को हटाना, फिर नया एसेट्स को लाना। बात समझते हैं मेरा? तो वो सब क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग वहां भी डिस्कस करेंगे। ये था एक अकाउंट एसेट्स का जो हम लोग को बनाना सीखना है, और हम अब भी बोल रहे हैं काफी सिंपल है। बी लॉजिकल, चीजों को टफ क्यों मानना है, जो जैसे है वैसे ही मान रहे। एसेट्स का रूल फॉलो किए, बढ़ेगा डेबिट में घटेगा क्रेडिट में, बढ़ेगा कब जब खरीदेंगे, घटेगा कब जब यूज करेंगे और सेल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। बोले ओके, तो सर जब भी ऐसा होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम बस एक मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस कर लिए आपके साथ कि एसेट्स को इंडिविजुअली दिखलाइए, हर एसेट्स को अलग अलग लिखिए, ज्वाइंटली मत लिखिए। ज्वाइंटली लिखने से हमको भी प्रॉब्लम होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है आप गलती को पकड़ ही नहीं पाए, गलती क्या चल रहा है मेरे साथ। लेकिन अगर इंडिविजुअली लिखेंगे एसेट्स को तो गलती को बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। लिखो यहां तक। आइए दूसरा लेजर जो बनाने बोला जा सकता है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? हम बोले सर ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्सपेंस है। प्लीज बताओ तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? सर नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जब भी एक्सपेंस होता है डेबिट में लिखते हैं, जब भी इनकम होता है क्रेडिट में लिखते हैं। बोले ठीक। तो डेप्रिसिएशन अगर एक नॉमिनल अकाउंट है तो सर जब भी एंड होगा ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर का एंड होगा, मेरे क्वेश्चन में क्या है 31 मार्च 2020, तो सर डेप्रिसिएशन लगा होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। किस पे लगा है? बोले एसेट्स, एसेट्स का नाम। क्या नॉमिनल अकाउंट बैलेंस शीट ही होता है? बोले नहीं सर, वो कैसे बैलेंस होगा? नॉमिनल अकाउंट तो एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट है। एक्सपेंस का मतलब क्या? एक्सपेंस का मतलब होता है सर जिसका बेनिफिट खत्म हो गया। हम बोल रहे बाबू हाँ सही बात है, जिस चीज का बेनिफिट आप ले चुके उसी को तो एक्सपेंस बोलते हैं। तो जब उसका बेनिफिट ही खत्म हो गया है तो उसका बैलेंस कैसे बचेगा? तो हम लोग क्या करते हैं नॉमिनल अकाउंट को, कि सर नॉमिनल अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो हम लोग के लिए क्या है 31 मार्च 2020, कि हाँ सर आप ऐसे बना रहे हैं, कहां ट्रांसफर कर देते हैं? पीएल, कि सर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हर साल बस ऐसे ही होगा? बोले हाँ। फिर 31 मार्च 2021 आएगा, फिर हम बोलेंगे सर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा तो हमको एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट में लिख देंगे, एसेट्स के ऊपर हुआ है। और फिर ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बोले सर फिर से पीएल। फिर अगला साल फिर से एसेट्स, हम बोले हाँ। और फिर से कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सर पीएल। बिल्कुल। तो सर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो फालतू अकाउंट है। हम बोले हाँ, ये जो डेप्रिसिएशन का पैसा हमको लिखना है वो हम कहां से लिखेंगे? एसेट्स के अकाउंट से, क्योंकि एसेट्स पे तो हर साल आप M1, M2, M3 का डेप्रिसिएशन निकाले होंगे और जोड़ के बाहर किए होंगे, उसी पैसे को यहां लिख देना। फिर वो कहां ट्रांसफर? पीएल। बातचीत। ये दो अकाउंट मेनली हम लोग को बनाया जाता है जर्नली। कुछ मेथड होंगे जिसमें और भी अकाउंट बनते होंगे, वो मेथड जब आएगा तब डिस्कशन करेंगे, फिलहाल आप दिमाग में इसको डालें। अब आपके मन में एक सवाल चला गया कि सर एक्सपेंस जो आप बोले जरा खुल के बताइए उसके बारे में। हम बोले आओ, दो टर्मिनोलॉजी है बाबू अकाउंट्स का जो आपके शुरू में होगा बुक्स में। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर? हम बोले हाँ, हम जहां तक समझे हम वहां तक समझा रहे हैं आपको कि हम क्या समझे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर से। बुक उसी बात को सजा करके अच्छा अंग्रेजी में लिखा है,
हम उसे इंग्लिश में नहीं जाना चाहते, हम उसका नॉलेज में जाना चाहते। एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चा जिसका बेनिफिट सर्टन हो। सर सर्टन का मतलब जिसका बेनिफिट आपको करेक्टली पता हो कि हाँ इसका बेनिफिट यहीं तक है, उसके बाद नहीं है इस खर्चे का बेनिफिट। हम बोले हाँ। एग्जाम्पल दीजिए सर, सैलरी। हम अपने स्टाफ को सैलरी देते हैं, डू आई नो द बेनिफिट ऑफ दिस पेमेंट? यस एब्सोल्युटली आई नो द बेनिफिट ऑफ दिस पेमेंट। हम जो सैलरी हम अपने स्टाफ को दे रहे हैं उसका बेनिफिट एक महीना है, एग्जैक्ट पता है कि सर एक तारीख से 30 तारीख तक काम करेगा और इस सैलरी का बेनिफिट खत्म, अगला महीना काम कराना है फिर देना पड़ेगा पैसा। हम बोले हाँ। रेंट किराया, क्या इसका बेनिफिट भी सर्टेन है? हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं जिस भी खर्चे का बेनिफिट सर्टन हो उसको बोलते हैं एक्सपेंस, और जिस खर्चे का बेनिफिट अनसर्टन हो, आप नहीं बता पाइएगा बेनिफिट कब तक है इस खर्चे का, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे हम एक फर्नीचर खरीदे, आपके घर में लगा हुआ फर्नीचर, क्या आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कि ये किस महीने में या किस दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज नो। आपके रूम में लगा हुआ पंखा जो घूम घूम के आपको हवा दे रहा है, क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ सर आप आइएगा इस दिन देखिएगा पंखा घूमना बंद हो जाएगा, इसका लाइफ खत्म, बेनिफिट खत्म? हम बोल रहे नहीं सर, पता नहीं ये पंखा कब बंद हो जाएगा घूमना, कल हो सकता है, 10 साल बाद भी नहीं हो सकता। हम बोले हाँ। तो जिस खर्चे का बेनिफिट अनसर्टन हो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इसीलिए सारे फिक्स एसेट्स को कहां डाल दिया गया है? एक्सपेंडिचर में, कि सर ये सारे खर्चे का बेनिफिट क्या है? अनसर्टन है वो भी खर्चा, लेकिन क्योंकि उसका बेनिफिट अनसर्टन है तो वो एक्सपेंडिचर के टर्मिनोलॉजी में आ गया, और बाकी जितने खर्चे हैं जिसका बेनिफिट सर्टन है उसको कहां डाल दिया गया? हम बोले सर उसको एक्सपेंस में डाल दिया। बात समझते हैं मेरा? तो ये हुआ हम लोग का आज थोड़ा सा थ्योरी, दो टॉपिक ले लिए कि हाँ आप भी जान जाए कि एक्सपेंस क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। हम तो इतना ही समझे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल में ये फाउंडेशन का, अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस जरूर मिलेगा। अभी तक हम लोगों ने मोर देन 50% सिलेबस कवर भी कर दिया है, सारा ईच क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बनाया है हम लोगों ने। थैंक यू, बाय बाय।